रेलवे जीके जीएस कहाँ से पढ़ा जाए? रेलवे की तैयारी करने वाले सारे बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और जब बात करें आरआरबी एनटीपीसी की, जहाँ पे जीके जीएस का एक बहुत बड़ा रोल है, ऐसे में जीएस कहाँ से कंप्लीट करें, क्या चुनिंदा किताबें हों, क्या एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो, क्या हमारा कहाँ से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कहाँ से हम उसे पढ़ें कि हमारे मस्तिष्क में एक बार में बैठ जाए, कहाँ से हम उसे प्रैक्टिस करें ताकि हमारा स्कोर बढ़े और अल्टीमेटली इस जीके जीएस के बदौलत हम सिलेक्शन ले सकें। लगभग सारे बच्चों के दिमाग में यही होता है, और खासकर ऐसे बच्चे जो बिगनर्स होते हैं, जो तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, वो तमाम ऐसी अफवाहों को सुनते हैं कि बिगनर्स एक बार में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, यहाँ पे एसएससी वाले बच्चे भीड़ बनाए रहते हैं, तो इस कारण से यहाँ पे सिलेक्शन लेना मुश्किल होता है। क्या ये सारी बातें सही है या इन पे कोई क्वेश्चन मार्क है? तो सब कुछ हम इस सेशन में समझेंगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और एक बहुत बेहतरीन सेशन आप सारे छोटे भाई बहनों के लिए मैं इस बेस पे लेके आया हूं कि भाई जीके जीएस का जो भी आपकी समस्या है वो समस्या दूर हो सके। तो पूरी वीडियो बहुत प्यार से बहुत इत्मीनान से अवश्य देखिएगा, ताकि आपका एक डर और एक सारी चीजें आपके डाउट क्लियर हो पाए। हम लोग बात करेंगे एक स्ट्रेटजी की जीके जीएस के, जो बिगनर्स के लिए मूल मंत्र की तरह साबित होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो पहले से तैयारी करा रहे हैं वो इसे ना देखें, क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो और सिलेक्शन नहीं हुआ, इट मींस कि आप कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी गलतियां कर रहे हो, और फिर रेलवे के एग्जाम में जहां पे जीके जीएस का रोल बहुत ज्यादा है, आप गलती करने के हालत में नहीं होते हो, आपके लिए वो गलती क्षमादान योग्य नहीं होती है, वो अक्षम्य गलती होती है, क्योंकि आपका उसी से सिलेक्शन रुकता है। समझेंगे हम लोग इसमें कौन सी किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या किताबें, कौन सी क्लास लें, किताबें कौन सी लें, और प्रैक्टिस का कितना ज्यादा रोल है, इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे कि 40 में 40 क्या, वैसे 40 में 40 लाना तो असंभव होता है, लेकिन एक क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो कि 40 पे हम करीब ला पाएं और अल्टीमेटली जीएस के स्कोर को हम बूस्ट कर पाएं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चाहे आप सीबीटी 1 का पेपर देने जाओगे, जीएस का बहुत रोल है। पूरे 100 प्रश्न में 40% केवल जीएस पूछा जाएगा जीके जीएस, सीबीटी 2 में भी 40 का 50 हो जाता है, टोटल 120 क्वेश्चन में यहां पर भी रोल और बढ़ जाता है, और सीबीटी 2 से सीधा आपका मेरिट बनता है। तो इस कारण से जीएस सीबीटी 2 में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप जीएस के सिलेबस की बात करोगे तो कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें पूरा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, और सबसे बड़ी बात है जनरल अवेयरनेस स्टैटिक जीके है। इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, ये साइंस टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये सारी चीजें तो आपसे पूछी जाती है। तो ओवरऑल जीके जीएस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट बनता है। मैथ्स है, मैथ सिंगल सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, रीजनिंग सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन जीएस सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। जीएस की अगर बात किया जाए, टॉपिक डिवीजन की बात किया जाए, एक पुराना ट्रेंड एनालिसिस की बात किया जाए, तो यहां पे हम इन सारी चीजों को समझेंगे कि ये आपका विगत वर्षों में जो इससे पहले परीक्षाएं हुई हैं उनका ट्रेंड एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूं। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक दो नहीं, यहां पे 20 से ज्यादा टॉपिक आपको मिलती हैं, जिसमें हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है आपका, यहां पे एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है 2 पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटी में आपका मान लो पॉलिटी एक सिंगल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पढ़ना है, फिर आपके ये जनरल अवेयरनेस वाले जीके वाले टॉपिक है जिसमें अलग अलग चैप्टर ही अलग अलग है, डांस है, म्यूजिक है, फेस्टिवल है, बुक्स आता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट डेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, और ये सब कोई एक टॉपिक नहीं है। इनके पीछे पढ़ने लगो तो कहां से क्या पूछ लिया जाए, कुछ हम कह नहीं सकते। और एक बार ट्रेंड एनालिसिस आप यहां पे देखोगे तो ट्रेंड एनालिसिस जो पिछली बार का रहा है, जैसे हिस्ट्री में 5-6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 4-5 क्वेश्चन, पॉलिटी का 3-4 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके को सारे टॉपिक को मिला लिया जाए तो इन सब को हटाने के बाद बाकी सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ही होते हैं या करंट अफेयर्स के ही होते हैं। लेकिन क्या जो पुराना पैटर्न था वही पैटर्न फॉलो होगा? क्या हमें पुराने ढर्रे पे तैयारी करना होगा? आप देखेंगे तो यूट्यूब पे मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम संस्थान है या मैक्सिमम जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, आपको बस यही सजेस्ट करते हैं कि ये रही ट्रेंड एनालिसिस, इस पोर्शन को ज्यादा पढ़ो। बट एक बात शायद वो मिस कर जाते हैं, आपको मैं बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 टाइप के चैनल हैं, या तो एक ऐसे जो संस्थान है, प्रॉपर संस्थान है, जिनकी तैयारी जो मेनली प्रॉपरली तैयारी कराते हैं, एक ऐसे हैं जो केवल आपको गाइड करते हैं, मेंटरशिप करते हैं, आपको बताते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं जो स्टूडेंट अपना चैनल बना लेते हैं, क्योंकि वो ओपन रिसोर्स है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं एज अ टीम परीक्षा प्लस मैं आलोक शुक्ला आप सभी के लिए ऐसा एनालिसिस लेके आता हूं, इसीलिए कि आपके पास एक बैलेंस रहे, आपके पास मेंटरशिप भी बढ़िया रहे और आपके पास क्लासेस भी बढ़िया रहे। और अगर आप दोनों आयाम से सोचोगे तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो पुराना पैटर्न है एग्जैक्टली कोई जरूरी नहीं है कि पुराना ही पैटर्न रहे। 10 सेकंड में मैं आपको इस चीज को समझाता हूं कैसे।
अगर देखा जाए रेलवे एनटीपीसी की बात किया जाए तो रेलवे एनटीपीसी में अगर किसी एक कैटेगरी की बात कर लिया जाए, रेलवे एनटीपीसी रेलवे एग्जाम की कैटेगरी एनटीपीसी की बात कर लिया जाए, तो इसमें अगर फॉर्म के आवेदन देखा जाए पिछली बार भी लाखों में आवेदन थे, करोड़ के आसपास थे, और इस बार भी अगर देखा जाए भले वैकेंसी कम है लेकिन बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि फॉर्म 50 लाख से कम नहीं पड़ने वाले। ऐसे में रेलवे करता क्या है, जब इतनी ज्यादा संख्या में क्या होते हैं लोग होते हैं तो उसे मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराना होता है। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराने का मतलब एक दिन में 3 दिन शिफ्ट भी कराते हैं तो ऑन एवरेज इनके जो पेपर होते हैं वो 25 से 30 दिन चलते हैं। अगर ये 20 दिन में भी कर लेते हैं तो इनको 60 शिफ्ट चाहिए। 60 शिफ्ट के लिए अगर प्रत्येक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन है पूरे तो इनके 6000 क्वेश्चन चाहिए, और अगर इस 6000 क्वेश्चन में केवल हम जीके जीएस की बात कर लें तो उनका कम से कम 40% चाहिए। सीबीटी 1 की बात केवल कर रहा हूं, यानी कि आपका 2400 क्वेश्चन केवल क्या होगा आपका जीके जीएस का चाहिए। और अगर जीके जीएस के 2400 क्वेश्चन बनाना है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सब में इक्वल टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी से कठिन किसी से आसान, किसी से किसी तरीके से क्वेश्चन, किसी से सिलेबस से, किसी से सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ऐसे में जीके जीएस में नंबर लाना कठिन हो जाता है। तो फिर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए कि भाई हम इन सारे आयामों को सोचते हुए क्या एक बेहतर हमारा एक तरीका होना चाहिए तैयारी करने का कि हम अपने रिजल्ट के क्लोज आ पाए। समझिएगा, अगर आप रेलवे के कट ऑफ को देखोगे तो लगभग अगर हम सीबीटी 1 की बात करें, लेवल 6 लेवल 5 की बात करें तो 85 से 90% के बीच में ऑन एवरेज कट ऑफ सारे जोन का होता है, और 85% नंबर लाने का मतलब 100 नंबर में से कि आप केवल 15 नंबर आप केवल रिलैक्सेशन पा रहे हो, 10 नंबर पा रहे हो, उसमें भी 1/3 निगेटिव है। अगर 3 प्रश्न गलत करोगे तो एक आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास गलती करने के लिए सिलेक्शन अगर चाहिए तो गलती करने के लिए मात्र 5-7 प्रश्न है, उसे चाहे आप छोड़ो चाहे गलती करो, इससे ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे ही नहीं, इससे ज्यादा आप गलती नहीं कर सकते। तो कुछ 5-7 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बात आप मेरा इशारा समझ रहे होगे कि रीजनिंग और मैथ स्कोरिंग पार्ट है उसमें तो आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से बच्चा स्कोर करता है, सिलेक्शन लेने वाला बच्चा मैथ्स और रीजनिंग में फुल करके आता है। गलती अगर कोई होती है तो वो कहां पे होती है, जीके जीएस में होती है। एक बात और मैं आपको समझा दूं कि जीके जीएस में बच्चों अगर बात करें तो दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे जो ऑन एवरेज मेहनत करते हैं थोड़ी सी तैयारी करते हैं, उनका जीके जीएस में 40 में से करीबन 25 से 27 नंबर रह जाता है, और एक वो बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं जीके जीएस बहुत पढ़ते हैं उनका भी नंबर 40 में से 35 से 36 रह जाता है। यानी एक एवरेज मेहनत में और एक बहुत ज़्यादा मेहनत में, एक बहुत ज़्यादा लेबर में कितने का अंतर आ रहा है, 7 से 8 नंबर का अंतर आ रहा है। आप यहाँ पर समझोगे कि रणनीति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है कि आपको बहुत ज्यादा समय बर्बाद करना है, या फिर आप एवरेज से थोड़ा ऊपर स्मार्ट स्ट्रेटजी करो कि आप लोग कहां पे पहुंच जाओ, आप लोग 32 से 35 क्वेश्चन कर ले जाओ, एंड दिस इज द गुड स्ट्रेटजी। यहीं पे जो 6-7 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन दे रहा हूं आप यहीं पे कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज मान के भी चलना कि आपका क्या होगा, आपका मैथ्स और रीजनिंग कितना भी बढ़िया करके आओगे फुल स्कोर करने का प्रयास करोगे, एक एक क्वेश्चन तो गलत होने के चांसेस हर बच्चे के साथ रहते हैं, ह्यूमन एरर भी होने का चांस रहता है। तो इसी कारण से बोल रहा हूं कि आपको जीके जीएस में आपको गलती नहीं करनी है, और इसी कारण से आपको मैं सारी चीजें समझाता हूं कि सबसे पहले एक बार देख ले कि प्रश्न का स्तर क्या होता है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत सारे जो बच्चे बिगनर्स होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि प्रश्न कोई ऐसे बहुत टफ नहीं पूछा जाता, वन लाइनर बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि जब फैक्चुअल बेस्ड वन लाइनर होता है तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपको प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, उसमें बहुत ज्यादा आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, बहुत ज्यादा आप ऑप्शन फिल्टर नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो फैक्चुअल डेटा होते हैं और फैक्चुअल डेटा में एलिमिनेशन बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं काम करता, काम करता है, और ऐसे आप 40 में से 7-8 प्रश्नों में मदद पा लोगे आप एलिमिनेशन से, बट उसके लिए आपको पूरे सिलेबस को एक बार डीपली पढ़ना होगा। आप क्वेश्चन देखो तो यहां पर पूछा एंग्लो इंडियन से कितने सेलेक्ट होते हैं, आप यहां पर देखो तो जीसेट 31 में क्या होता है, एक्सेप्ट का मैंने पेपर लेकर आया, आप देखोगे तो बोला कि जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं जिसमें वसा स्टोर होती है उस ऊतक को क्या कहते हैं। आप क्वेश्चन देखोगे तो इसने बोला कि कौन सा शहर जो है वो स्वच्छ, सबसे स्वच्छता में नंबर 1 आया। इसमें पूछा गया कि पहली पैसेंजर ट्रेन भारत में कब चली थी, तो ऐसे क्वेश्चन रेलवे जीके से भी आपसे पूछे जाते हैं। अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होगे तो इसका उत्तर दोगे, वरना इसका कोई एलिमिनेशन का तरीका नहीं है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो अगर आपको जीके जीएस में स्कोर करना है तो एटलीस्ट आपको पहली जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको सिलेबस कवर करना है। अब सिलेबस कवर करने के लिए भाई आपके पास कंटेंट होना चाहिए, या तो आपके पास कोई
बढ़िया किताब हो आप खुद से पढ़ लो, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि हर बच्चा खुद से नहीं पढ़ पाता। मैं समझता हूं कि 8-10% 20% बच्चा खुद से समझ लेता है, हालांकि सिलेक्शन लेने वाले बच्चों की भीड़ वही होती है, बट ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं है कि जो बच्चा खुद से नहीं समझ पाता वो सिलेक्शन नहीं लेता। कड़ी मेहनत से सही गाइडेंस से सिलेक्शन वही ले जाता है, इस बात को समझिएगा। तो अगर हम लोग बुक की बात करें तो बुक हर बच्चा समझ नहीं पाएगा, तो उसे समझाने के लिए कोई चाहिए, तब आप आते हो, तब यहां पे सेल्फ स्टडी से आप ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास की तरफ मूव करते हो कि कोई इसे बेहतर तरीके से समझा दे। आपका लक्ष्य है सिलेबस कवर करना, आप चाहे सेल्फ स्टडी किताब से पढ़ के खुद कर लो या आपका कोई बेहतर टीचर कोई मेंटर आपको पढ़ा दे, ये दोनों चीज डिपेंड करता है। अब ये कौन आपको पसंद आता है आप उससे डिपेंड कर सकता है, लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा कि टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत बेहतर क्लास यहां पे अरेंज की है। और आप में से इसी स्ट्रेटजी प्रोग्राम में आपको एक चीज बता दूं कि अभी हम लोग ऐसे बच्चे जो बिगिनर बच्चे हैं जो बिल्कुल नई तैयारी कर रहे हैं, एक प्रारंभ सीरीज स्टार्ट किए हैं, शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक होता है, जिसमें 7 दिन हम लोग 7 क्लास करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे आपका जीके जीएस 6 बजे, 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे मैथ, और इसमें कि फाउंडेशन आपका क्या होना चाहिए वो हम लोग कवर कर रहे हैं। आप इस क्लास को करोगे तो आधी से ज्यादा स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपकी यहीं पे कवर हो जाएगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं होता, बहुत सारी बातें होती हैं। अब आते हैं हम लोग बात, अगर जैसे मैं इसका रीजनिंग और मैथ का भी आपको ट्रेंड एनालिसिस और आपको पूरी चीजें बताऊंगा, लेकिन जैसे मैं बोल रहा था कि आपको सिलेबस कवर करने के लिए, तो सिलेबस कवर करने के लिए आप में से आपके पास कोई किताब होनी चाहिए। सबसे पहले मैं किताब की चर्चा करूंगा। एक किताब तो हम लोग परीक्षा प्लस ऐप पे आपको कोर्स में सारी चीज दे देंगे, मात्र 199 का बैच है, जिसमें क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ आपको किताब उताब सब मिल जाएगा, ई बुक वगैरह सब मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका, आप खुद से किताब कर लो। तो एक, जैसे आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे तो भूगोल की अलग किताब है, साइंस की अलग किताब है, इतिहास की अलग किताब है, पॉलिटी की अलग किताब है, ऐसे तमाम किताबें आपको दे दी जाएंगी। और ये किताब नहीं है, ये कंसाइज नोट्स हैं जो रेलवे के बिहाव पे बनाई गई हैं। आप इन्हें पढ़ लोगे तो वही चीज जो रिपीटेड क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उनका क्या है, उनका बहुत बेहतर कलेक्शन किया गया है। या फिर आप ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बोलते हो सर हम सेल्फ स्टडी करेंगे, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए मैं आपको बोलूंगा जीके जीएस के लिए आपकी पहली पसंदीदा क्या होनी चाहिए, लूसेंट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लूसेंट गागर में सागर है, ये पढ़ने में समझ में नहीं आती है, भूल जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो बेटा अगर कम चीज में कोई बहुत ज्यादा चीज दी जाएगी तो जाहिर सी बात है उसे मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। और जीके जीएस मैथ्स और रीजनिंग नहीं है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे पढ़ लोगे वो जिंदगी में भूलेगा नहीं, आप आगे से पढ़ते आओगे, पीछे जब पहुंचोगे तो आगे की सारी चीजें क्या हो जाओगे, यहां की सारी चीजें आप भूल जाओगे। और इसी को जीके जीएस बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, दिन में पढ़ा रात में खपा या रात में पढ़ा दिन में खपा, ऐसा करके सफा करके आप लोग क्या करते हो, आप लोग शायरी भी सुने होंगे, आप लोग ये कहावत भी सुने होंगे, और ऐसा होता है, ये सच्चाई है। तो फिर हमें इसे किस तरीके से पढ़ें कि भाई हमारे दिमाग में ये याद भी रहे, तो सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है। अगर आप लूसेंट की किताब उठा लेते हो आप एक एक पन्ना आराम से पूरी किताब पेशेंटली आप इसे एक बार पढ़ने का प्रयास करो। आपके पास अगर देखा जाए तो अभी भी 4-5 महीने हैं, मतलब पेपर आपका जनवरी फरवरी में होगा, और इतना पार्ट इतनी मोटी किताब होगी इसे पढ़ने में आपको हार्डली अगर रोज 20-30 पन्ना पढ़ोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा 10 दिन में 200-300 पन्ने आप एक महीने के अंदर पूरी कवर कर दोगे। साथ में इसका स्टैटिक जीके भी पूछता है, तो स्टैटिक जीके के लिए एक पिनकल किताब है, ये बहुत बेहतरीन किताब है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। साइंस है तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, नहीं एनसीईआरटी कवर करना चाहते हो तो आप केवल लूसेंट की ही साइंस ले लो, ये ज्यादा बेहतर है। हालांकि आप साइंस में केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा, बट एनसीईआरटी भी कंज्यूम करना इतना आसान नहीं है, तो बेटर वुड बी कि आप क्या पढ़ लो लूसेंट पढ़ लो। उसके बाद जब आपका यहां पे क्या कर लिए, यहां पे आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और थोड़ा बहुत साइंस भी मिल जाएगा यहां पे इस वाले सामान्य ज्ञान वाले में कंप्लीट किताब में, और आपको यहां पे कंप्यूटर भी मिल जाएगा, आपको एनवायरमेंट भी मिल जाएगा, सब कुछ इस किताब में मिल जाएगा। साथ में जो स्टैटिक जीके मिलेगा वो यहां से मिल जाएगा, साइंस आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहां से मिल जाएगा, और इसके बाद आपका बचता है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए आप हाफ ईयरली मैगजीन क्रॉनिकल की होती है, प्रतियोगिता दर्पण की होती है, घटना चक्र की होती है, आप वो पढ़ो, डेली बेसिस पे करंट मत पढ़ो, क्योंकि करंट आपका 40 में से 5-6 क्वेश्चन पूछेगा, और करंट आप वैसे भी क्योंकि ये वन टाइम होता है, एक बार आप परीक्षा दे ले अब दोबारा परीक्षा में यूज नहीं होगा, क्योंकि 3-4 साल बाद परीक्षा आएगी और करंट हर बार बदल जाएगा, तो आपको उसे बार बार रोज रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप रोज, कई सारे बच्चे होते हैं आधा एक घंटा केवल करंट के पीछे बर्बाद करते हैं, कोई मतलब नहीं है, आप लास्ट टाइम में करंट को उठाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, 10-15 दिन आपके दिमाग में रहेगा फिर निकल जाएगा, निकल जाने दो, आप सेलेक्ट हो जाओ, परीक्षा निकल जाए, आप नौकरी ले लो, आपको वो करंट याद रखने की क्या जरूरत है, जीवन बढ़ता जाएगा,
करंट अफेयर्स बढ़ता जाएगा, इस बात को आप समझिएगा। तो करंट अफेयर्स को आप अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में इनिशियल में मत इंक्लूड करिए। हाँ, मंथ के एंड में आप कंप्लीट उस मंथ का पढ़ सकते हैं, ताकि लास्ट में आपको 6-7 मंथ का, 8 मंथ का, 1 साल का इकट्ठा ना पढ़ना पड़े। आप मंथ में कोई एक दिन आप निकाल लो कि 30 तारीख को 31 तारीख को हमें करंट ही पढ़ना है, उस दिन आप करंट अफेयर्स ही पढ़ो और बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स आप कर लो। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट करो। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं होती कि सॉल्ट ट्रिक होती, अब दूसरी चीज है केवल प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतनी ज्यादा सीखोगे, और जितना ज्यादा सीखोगे जीएस उतनी मजबूत होगी। सिंपल सा फंडा जीके जीएस का यही होता है। तो आपके लिए मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे एक सामान्य अध्ययन का एक यूथ है, आप इसे ले सकते हो, किरण है आप इसे ले सकते हो, या फिर बहुत सारी पब्लिकेशन है जिनके पीवाईक्यूज आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर वाइज आते हैं, आप चैप्टर वाइज उठाओ और चैप्टर वाइज जब आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो तो आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करो। आप देखिएगा कि जब आप क्वेश्चन करने लग जाओगे तब आपको याद आएगा कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे ये इसका क्लियर नहीं हूं। और जब आप उन प्रश्नों को नहीं कर पाओ तो आप उनसे संबंधित प्रश्नों को, उन संबंधित टॉपिक को फिर से आप उन्हीं किताब से पढ़ो जिससे आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है। रही बात जो बच्चा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो कैसे मदद करेगा, ये तो मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी और आपके हिसाब से, अगर आप खुद से मेहनत करना चाहते हो तब। लेकिन जब आप किसी क्लास में ज्वाइन हो जाते हो, जैसे पेड क्लास में और सेल्फ स्टडी में अंतर क्या होता है, अगर आप 2-3 साल लगातार तैयारी की हो तब तो आपको सारी चीजें पता है, लेकिन अगर आप बिजनेस हो तो आपको भाई कंटेंट ढूंढने में 4-5 महीना आपको समय मिलने, आप 1-1.5 महीने में ये डिसाइड करने में भूल लगा दोगे कि कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है, कहां से जुड़े कहां से ना जुड़े, कौन सी तैयारी करें कौन सी तैयारी ना करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इसमें 2-3 महीना आपका वेस्ट होने वाला है। जब आप किसी पेड बेसिक ऑथेंटिक जगह से आप जुड़ जाते हो तो आपको यह रहता है कि हां भाई अब आपकी कंटेंट की चिंता नहीं है, अब आपको क्लासेस की चिंता नहीं है, अब आपको प्रैक्टिस की चिंता नहीं है। तो वहां पे आपको सारी चीजें, चाहे क्लास हो, कॉन्सेप्ट हो, प्रैक्टिस हो, टेस्ट हो, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है और आप जो भटकने वाला प्रयास है वो खत्म कर हो जाता है और आपको वहां पे एक अच्छी मेंटरशिप मिल जाती है। इसलिए टीम परीक्षा प्लस आपको मात्र 199 रुपए में। अच्छा, ये इतना कम प्राइस है, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं कहते हैं सर 199 सब कंप्लीट है, सर पूरा है, सर कोई एक सब्जेक्ट तो नहीं है, सर सारे सब्जेक्ट है। मैं सर समझाता हूं बेटा, हाँ 199 में सब कुछ है, इसमें आपको विश्वास थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इतने कम प्राइस में बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करता है। लेकिन आपको परीक्षा प्लस ऐप पे सारे सारे सब्जेक्ट, आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, जीके जीएस में सब कुछ, सारी क्लासेस, उनकी लाइव क्लासेस, उन लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड क्लासेस कि आप उसे डाउनलोड करके बाद में देख सकते हो, साथ में आपके क्या है नोट्स जो आपके केवल रेलवे एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, उसके साथ साथ आपके जो सेक्शनल टेस्ट हैं, टॉपिक टेस्ट हैं, वो भी दिए जाएंगे, आपकी पूरी मेंटरशिप दी जाएगी, आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, A to Z कंप्लीट बैच जिसे बोला जाता है वो मात्र आप 199 में प्राप्त कर सकते हो परीक्षा प्लस ऐप से। तो इसे जोड़ लीजिए। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिए शाम को 6 बजे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये आपको प्रारंभ सीरीज है कि जो बच्चा बिल्कुल अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है उसे पता चले कि भाई हमें कहां जाना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें उठाना है, ये सारी पूरा मेंटरशिप आपको इसमें दिया जाता है विद क्वेश्चंस, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चैप्टर वाइज, जैसे मैं इसमें कल की क्लास में नंबर सिस्टम, आज की क्लास में क्या करा चुका हूं, आज की क्लास में मैं इसमें आपको रेशियो करा चुका हूं, और ऐसे स्टैटिस्टिक, ऐसे अलजेब्रा सब कुछ आपका कराता रह जाऊंगा। तो एक बहुत बेहतर तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हो। जीके जीएस में मैं फिर से लास्ट में जाते जाते यही बोलूंगा कि आपको सबसे पहले इत्मीनान से सिलेबस कवर करना है। आप चाहे किताब से कर लो, आप चाहे क्या कर लो, आप चाहे कहीं क्लास से जुड़ के कर लो, परीक्षा प्लस से जुड़ जाओगे तो ज्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से। हम अब मैं आपको वादा करता हूं कि आपका एक भी अंश छूटेगा नहीं, सब कुछ आपको बहुत बेहतर तरीके से कवर करवा दूंगा। उसके बाद आप एक बार सिलेबस कवर कर लेते हो, फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में पीवाईक्यू ज्यादा करो, यूथ की किताब है, घटनाचक्र की किताब है, किरण की किताब है, पिनकल की किताब है, बहुत सारे हैं जो प्रीवियस ईयर रेलवे के बिहाव पे किताबें हैं उन किताब, और वो किताब जो सारी ईबुक है ना, वो ईबुक आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, आप ईबुक सेक्शन में, आपको 700-800 खरीदने जरूरत नहीं है, आप इस सेक्शन में जाओगे, वो सारी किताबें, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये सारे ईबुक आपको यहीं पे 10-10, 20-20 रुपए के मिल जाएंगे, तो आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए परीक्षा प्लस ऐप आपका एक प्लस है जो सब कुछ आपको प्लस करके देता है, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उम्मीद है कि आप लोग कोर्स अवश्य जुड़ोगे, और अगर आपके अभी भी कोई जीके जीएस से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके एक एक बच्चे का रिप्लाई दिया जाएगा। साथ में मैं मैथ्स और रीजनिंग का जल्द ही स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, और कंप्लीट स्ट्रेटजी फिर जल्द लेके आऊंगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।